मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू चैप्टर 5 ऑफ सिविक्स पंचायती राज। इट्स स्पेशल डे टुडे, एवरीवन्स रशिंग टू गेट टू द ग्राम सभा। डू यू नो व्हाई? करा आज स्पेशल डे है, सारे जने आज कहाँ जा रहे हैं? ग्राम सभा में क्यों जा रहे हैं? बिकॉज द ग्राम सभा इज होल्डिंग इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द न्यू ग्राम पंचायत। कह रहे हैं ग्राम सभा ने इलेक्शन के बाद पहली ग्राम सभा की मीटिंग हो रही है आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द न्यू ग्राम पंचायत के जो इलेक्शंस हुए थे उसके बाद पहली ग्राम सभा की मीटिंग हो रही है। तो ग्राम सभा किसे कहते हैं? व्हाट इज ग्राम सभा? ग्राम सभा इज अ मीटिंग वेयर पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट and seek answers from their elected representative. Now, what is the Gram Panchayat? Gram Panchayat means it is the primary unit of governance in the Panchayati Raj system. It consists of a Panchayat president and its members elected by the people through a general election. Now, the people of Hardas village are keen to find out their new panchayat leaders have planned for the village. The people जो हरदास विलेज के जो people हैं वो क्या जानने को उत्सुक हैं कि जो पंचायत के जो नए leaders हैं, पंचायत में जो नए leaders आए हैं, उन्होंने हरदास गांव के लिए क्या plan बनाया है? ग्राम सभा। द ग्राम सभा मीटिंग बिगेंस विद द पंचायत प्रेसिडेंट हु इज ऑल्सो कॉल्ड द सरपंच। जो ग्राम सभा की मीटिंग है वो किसके साथ शुरू हो रही है? पंचायत प्रेसिडेंट, जो कि क्या और क्या कहलाता है? सरपंच। उसको पंचायत प्रेसिडेंट जो होता है वो सरपंच कहलाता है। एंड द मेंबर्स ऑफ पंचायत, द पंच मेंबर्स जो उसके मेंबर्स होते हैं पंचायत के, उनको पंच कहते हैं। Presenting a plan on repairing the road that connects the village to the main highway. Road को repair करने का plan बना रहे हैं जो कि village को किससे जोड़ेगी? Main highway से। After this, the discussion moves to the subject of water and water shortages. अब उसके बाद जो discussion है वो कहाँ से ला गया? कौन से subject पर? Water और water shortage पर। A village called villagers called Teja begins the meeting of by saying, अब जो villager था उसका नाम तेजा है, उसने meeting शुरू करी। The water problem in Hardas has become very acute. The hand pump water has gone well below the point up to which the ground has been drilled. अब वो कह रहे हैं कि जो पानी कि जो प्रॉब्लम है हरदास विलेज में वो बहुत ही ज़्यादा है, एक्यूट है, और जो हैंडपम्प जो थे वो उसका जो पानी है वो ग्राउंड लेवल से भी बहुत ही नीचे चला गया है। वी हार्डली गेट एनी वाटर इन द टैप्स। वो कह रहे हैं कि टैप्स में जो है बहुत ही ज़्यादा तो बहुत ही हार्डली गेट एनी वाटर, कह रहे हैं कि कभी कभी ही पानी जो आता है टैप्स में, नलों में। When women have to go to the Suru River, which is 3 kilometers away to get water, और जो औरतें हैं वो बेचारी कहाँ से पानी लेके आती हैं? Suru River से, जो कि 3 kilometers गांव से, वो 3 kilometers दूर है वहाँ से, वहाँ की उस रिवर से, Suru River से वहाँ उस गांव की औरतें पानी लेके आती हैं। One of the members suggests piping water from the Suru and making an overhead tank in the village to increase the supply. एक ने क्या suggest किया कि हम Suru River से एक क्या जोड़ लेते हैं, पाइप, पानी का पाइप जोड़ लेते हैं और गांव में एक क्या बना देते हैं, टैंक बना देते हैं, जो वो पानी का पाइप जो किस में आकर के किससे जुड़ेगा? उस टैंक से। तो उससे जो है सप्लाई का पानी जो है, हम उस पानी की जो प्रॉब्लम है उस वो दूर हो सकती है। बट द अदर्स थिंक दैट
दिस विल बी एक्सपेंसिव, पर दूसरों ने क्या बोला कि वो बहुत ज़्यादा खर्चीला है. इट्स बेटर दे फील टू डिपेन द हैंड पम्प एंड क्लीन द वेल्स फॉर दिस सीजन. वो कह रहे हैं कि इससे तो अच्छा हम क्या करें कि हैंड पम्प्स खोदें और जो वेल्स जो कुएं हैं उनको क्या करें, साफ करें. तेजा से दिस इज नॉट इनफ, ये पर्याप्त नहीं होगा. वी नीड टू डू समथिंग मोर परमानेंट एज अंडरग्राउंड लेवल सीम टू बी गोइंग डाउन एवरी ईयर. वो कह रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं कि अंडरग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल जो है वो हर साल जो है क्या हो रहा है, नीचे जाता जा रहा है. इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम कोई परमानेंट सोल्यूशन ढूंढें उसका. वी वर यूजिंग मोर वाटर देन इज सीपिंग इन टू द ग्राउंड. कह रहे हैं जितना हम यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा जो है वो ग्राउंड में चला जाता है. अनादर मेम्बर अनवर देन टेल्स एवरी वन दैट इज हैज सीन वेज ऑफ कंजर्विंग वाटर. कह रहा है कि जो वे है, दूसरा भी वे है कंजर्विंग वाटर का एंड रिचार्जिंग इट इन अ विलेज इन महाराष्ट्र वेयर ही हैड वंस गॉन टू विजिट हिज ब्रदर. जब वो कह रहा है कि उसने वाटर कंजर्विंग का जो देखा, कहाँ जब कहाँ गया था वो, महाराष्ट्र में अपने भाई के घर विजिट करने गया था. इट वॉज कॉल्ड अन वाटर शेड डेवलपमेंट. वो क्या कहलाता है, वाटर शेड डेवलपमेंट कहलाता है. एंड ही हैड हर्ड दैट द गवर्नमेंट गिव मनी फॉर दिस वर्क. और उसने क्या सुना था कि उस काम के लिए किसने पैसे दिए थे, गवर्नमेंट ने पैसे दिए थे. इन हिज ब्रदर्स विलेज पीपल हैड प्लांटेड ट्रीज कंस्ट्रक्टेड चेक डैम्स एंड टैंक्स. और उसके ब्रदर के विलेज में क्या हुआ, वहाँ पे उन्होंने ट्री प्लांट किए, डैम्स बनाए और टैंक्स बनाए. एवरीवन थॉट दिस वाज एन इंटरेस्टिंग आइडिया एंड द ग्राम पंचायत वाज आस्क्ड टू फाइंड आउट अबाउट इट इन डिटेल. उन्होंने कहा इसके बारे में, ग्राम सभा ने बोला कि इसके बारे में पूरा पता करो. द नेक्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा फॉर द ग्राम सभा इज द फाइनलाइजेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन. अब वो कह रहे हैं कि फाइनलाइजेशन करो किसका, जो पॉवर्टी लाइन के जो नीचे है, बीपीएल है. बीपीएल मीन्स बिलो द पॉवर्टी लाइन विच हैड टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा. वो किसके द्वारा अप्रूव्ड हो, ग्राम सभा के द्वारा. एज सून एज द लिस्ट इज रीड आउट पीपल बिगिन टू विस्पर. जैसे ही लिस्ट पढ़नी शुरू हुई लोगों ने विस्परिंग करना शुरू कर दिया, कानाफूसी करना शुरू कर दिया. नटवर हैज जस्ट बॉट अ कलर टीवी एंड हिज सन हैज सेंट हिम अ न्यू मोटरसाइकिल. वो कह रहा है उसने कलर टीवी खरीदा है और उसके बेटे ने उसको क्या एक नया मोटरसाइकिल भेजा है. हाउ कैन ही बी बिलो द पॉवर्टी लाइन. वो कैसे पॉवर्टी लाइन के अंदर, बिलो द पॉवर्टी लाइन में आ सकता है. सूरजमल मटर्स टू द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम. सूरज सेज टू सुखी बाई. सूरज ने किसको बोला, सुखी बाई को. हाउ डिड बिरजूज नेम गेट ऑन द लिस्ट. बिरजू का नाम जो है इस लिस्ट में कैसे आया. ही हैज सो मच लैंड. वो कह रहा है उसके पास तो बहुत सारी लैंड है. दिस लिस्ट शुड हैव ओनली पुअर पीपल. वो लिस्ट जो होनी चाहिए थी वो सिर्फ गरीब लोगों की होनी चाहिए. एंड ओम प्रकाश इज अ लैंडलेस लेबरर हु कैन बार्डली मेक्स एंड मीट येट हिज नेम इज नॉट ऑन द लिस्ट. वो कह रहा है कि बेचारा वो तो लेबरर है और बेरली मेक एंड मीट येट हिज नेम इज नॉट ऑन द लिस्ट. उसके बाद भी उसका जो लिस्ट नाम है वो लिस्ट में नहीं है. यू नो दैट बोथ नटवर एंड बिरजू आर फ्रेंड्स ऑफ अमीर चंद. वो कह रहा है कि तुम जानते हो कि बिरजू और नटवर जो है वो किसके फ्रेंड हैं, अमीर चंद के. हु कैन काउंटर अमीर चंद पावर.
अमीरचंद के पावर को कौन वो कह रहा चैलेंज कर सकता है। सुखी बाई सेज अमीरचंद वॉज द अर्लियर जमींदार, लैंड ओनर था वो ऑफ द विलेज एंड स्टिल हैज कंट्रोल ओवर अ लॉट ऑफ लैंड, बट वी शुड गेट ओम प्रकाश नेम पुट इन। वो कह रहा है कि हमें किसका इसका किसका नाम इसमें आना चाहिए, ओम प्रकाश का। द सरपंच पंचायत प्रेसिडेंट नोटिस पीपल विस्परिंग एंड आस्क इफ एनीवन हैज एनीथिंग टू से। उसने बोला कि भी कोई भी कुछ बोलना चाहता है, उसने देखा कि लोग आपस में विस्परिंग कर रहे हैं, सरपंच हैं कानापूसी कर रहे हैं। सरोज ट्राइज टू प्रोवोक सूरजमल टू आस अबाउट नटवर एंड बिरजू बट ही कीप्स क्वाइट। उसने वो चुप रहा, उसने नहीं बोला। अमीरचंद इज सिटिंग इन द ग्राम सभा कीपिंग एन आई ऑन एवरी वन। अमीरचंद भी वहाँ बैठा था, सबका ग्राम सभा में वो सबके ऊपर नजरें रखे हुए था। देन सरोज गेट्स अप एंड सेज दैट ओम प्रकाश नेम शुड बी इन द बीपीएल लिस्ट। वो कह रहा है कि सरोज उठा और बोला कि ओम प्रकाश का नाम भी जो है वो बीपीएल लिस्ट में होना चाहिए। अदर्स एग्री दैट ही एंड हिज फैमिली आर वेरी पुअर। द सरपंच आस्क हाउ हिज नेम हैड बीन मिस्ड आउट। द टीचर हु डिड द सर्वे ऑफ बीपीएल सर्वे द बीपीएल फैमिली सेज ओम प्रकाश हाउस वॉज लॉक्ड व्हेन आई वेंट देयर। वो कह रहा है जो टीचर वहाँ गया था, कह रहा था कि वो वहाँ ओम प्रकाश का हाउस जो था वो बंद था। ही मे हैव गॉन समवेयर टू लुक फॉर वर्क। द सरपंच गिव्स इंस्ट्रक्शंस दैट ओम प्रकाश फैमिली इनकम बी लुक्ड एंड एट एंड इफ इट इज लेस देन वॉट हैज़ बीन डिसाइडेड बाई द गवर्नमेंट हिज नेम शुड बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट। उसने कहा कि जो कुछ भी गवर्नमेंट ने जो लिस्ट दी है, जो उन्होंने जो क्राइटेरिया रखा है, अगर उसकी जो इनकम है उससे कम है तो उसका नाम जो है वो उस पी पी एल लिस्ट में होना चाहिए ओम प्रकाश का। Now the Gram Panchayat. The Gram Panchayat meets regularly and one of its main tasks is to implement development programs for all villages that come under it. As you have seen, the work of the Gram Panchayat has to be approved by the Gram Sabha. Gram Panchayat जो भी काम करती है वो किसके द्वारा approved होता है? Gram Sabha के द्वारा। In some states, Gram Sabha from committees, form committees and construction and development committees। ग्राम सभा जो है वो कुछ कमिटीज़ फॉर्म करती है, जैसे कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट कमिटीज। दिस कमिटीज इंक्लूड सम मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा। इस कमेटी में कौन से मेंबर्स इंक्लूड होते हैं? ग्राम सभा के एंड सम फ्रॉम द ग्राम पंचायत। और कुछ जो ग्राम सभा के होते हैं, कुछ ग्राम पंचायत के होते हैं, हु वर्क टुगेदर टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क। जो स्पेसिफिक टास्क होता है वो उसको इकट्ठे मिलकर के सारे करते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट द हरदास ग्राम पंचायत वाज एबल टू डू। डू यू रिमेंबर द ऑप्शंस दैट वर सजेस्टेड टू सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम इन द ग्राम सभा ऑफ हरदास विलेज। व्हेन द हरदास ग्राम पंचायत हेल्ड अ मीटिंग, दिस पॉइंट वाज ब्रॉट अप अगेन बाय सम ऑफ द मेंबर्स। दिस मीटिंग वाज अटेंडेड बाय द सरपंच, वार्ड मेंबर्स एंड द सेक्रेटरी। ये मीटिंग किस किस के द्वारा जो उनकी जो प्रॉब्लम थी वो वहाँ मीटिंग में लेके आए, उसमें लेके आए और उसको उस मीटिंग को किसने अटेंड किया? सरपंच ने, वार्ड मेंबर्स एंड द सेक्रेटरी। ग्राम पंचायत मेंबर्स फॉर डिस्कस द सजेशन टू डीपन टू हैंडपम्प्स एंड क्लीन वन वेल सो दैट द विलेज वुड नॉट सो गो विदाउट वाटर। अब उन्होंने क्या डिस्कस किया, सजेशन आया कि दो तो हैंडपम्प्स खोदे जाएं और एक वेल को क्लीन किया जाए। द विलेज वुड नॉट गो विदाउट वाटर, से जो विलेज है वो बिना पानी के नहीं रहेगा। द सरपंच पंचायत प्रेसिडेंट सजेस्टेड दैट सीन्स द पंचायत हैड रिसीव्ड सम मनी फॉर मेंटेनेंस ऑफ हैंडपम्प्स, दिस कुड बी यूज। कुछ मनी रिसीव किया, वो मनी जो है वो किस में यूज़ हुआ? फॉर कंप्लीटिंग दिस वर्क। द मेंबर्स एग्रीड एंड द सेक्रेटरी रिकॉर्डेड देयर डिसीजन।
और सारे मेंबर एग्री हो गए और सेक्रेटरी ने उस डिसीजन को रिकॉर्ड कर दिया. द मेंबर्स देन वेंट ऑन टू डिस्कस द ऑप्शन फॉर अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन. दे वर श्योर दैट द ग्राम सभा मेंबर्स वुड आस्क क्वेश्चंस एट द नेक्स्ट मीटिंग. सम पंच आस्क्ड वेदर द वाटरशेड प्रोग्राम वुड मेक अ सब्सटेंशियल डिफरेंस टू द वाटर लेवल. अ लॉट ऑफ डिस्कशन फॉलोड. इसके ऊपर भी पूरा डिस्कशन हुआ वाटरशेड के प्रोग्राम के लिए भी. इन द एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट द ग्राम पंचायत वुड अप्रोच द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द स्कीम. अब उन्होंने क्या करा कि किससे अप्रोच करेंगे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से इस स्कीम के बारे में पता करने के लिए. Three levels of panchayats. After reading about that happened in the Gram Sabha and the Gram Panchayat in Haridas village, you can understand that the Panchayati Raj system is a process through which people participate in their own government. जिसके अंदर आपने ये सब पढ़ने के बाद कह रहे हैं कि about what happened in the Gram Sabha and the Gram Panchayat in Haridas village. के Gram Sabha और Gram Panchayat के में Haridas village में क्या हुआ. और you can understand that the Panchayati Raj system is process through which people participate in their own government. जिसमें कि लोग खुद अपने own government में participate करते हैं. जो भी process होता है उसमें वो खुद पार्टिसिपेट करते हैं. द पंचायती राज सिस्टम इज़ द फर्स्ट टायर और लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. द पंच हैड द ग्राम पंचायत आर आंसरेबल टू द ग्राम सभा. ग्राम पंचायत के जो पंच होते हैं वो किसके आंसरेबल होते हैं, ग्राम सभा के. बिकॉज इट इज़ द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा हु इलेक्टेड देम. दिस आइडिया ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द पंचायती राज सिस्टम एक्सटेंड two other levels. One is the block level which is called the Janpat Panchayat or the Panchayat Samitis. The Panchayat Samitis has many Gram Panchayat under it. Panchayat Samitis ke andar bahut sari Gram Panchayatein aati hai. Above the Panchayat Samiti is the District Panchayat or the Jilla Parishad. Panchayat Samiti ke andar kaun si aati hai, District Panchayat or Jilla Parishad aati hai. The Jilla परिषद एक्चुअली मेक्स डेवलपमेंट प्लान्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद जो है वो डेवलपमेंट प्लान्स बनाती है विद द हेल्प ऑफ पंचायत समिति. पंचायत समिति की हेल्प से इट्स ऑल्सो रेगुलेट्स द मनी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ऑल द ग्राम पंचायत विद इन द गाइडलाइंस एंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ईच स्टेट इन द कंट्री हैज इट्स ओन लॉज विद रिगार्ड टू पंचायत. द आइडिया इज टू प्रोवाइड मोर एंड मोर स्पेस फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट एंड राइज देयर वॉइस. ये आइडिया होता है पंचायत, इसमें आइडिया ही क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं पार्टिसिपेट करें और अपनी आवाज़ को, उनको क्या चाहिए, किस चीज़ की कमी है गांव में, उसके के बारे में वो अपनी आवाज़ बुलंद करें. थैंक यू. आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस.